अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यम्मे वाजिद, 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। राजेंद्र नगर पुलिस ने ध्यान हटाकर सरखा करने वाले एक आदि सारिख को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल्स के अलावा 1 लाख रुपए नकद रकम को जब्त किया गया। पेश है इस मामले में हमारे नुमाइंदे ज़ियाउद्दीन की ये रिपोर्ट। ये मंथ 13 तारीख को एक रॉक चर्च ऊपरपेली के पास या ट्यूशन डाइवर्शन करने का एक आदमी कंप्लेनेंट पैसा लेके जा रहे थे। उस टाइम में उनको रुकवा के देखो तुम्हारे को ये पैसा अच्छा नहीं रखा है तुम बैग में, बोल के उसको पकड़ के वो बैग फिर उसको वापस दे दिया। बीच में उसमें से 80,000 ले लिया, लेके चले गए। वो आदमी आके हमको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हम उधर जाके इंक्वायरी करें तो उसमें से पैसा गया और वो चीटिंग से अटेंशन डाइवर्शन करने का आदमी करा बोल के मालूम। उस पर वो चर्च के बगल में जो हमको CCTV का एक फुटेज मिला है, वो फुटेज ने हम कंप्लेनेंट को दिखाया तो उन्हें उनको आइडेंटिफाई किया या यही आदमी है बोल के बोले थे। तो उनको लेके जाके वही CCTV फुटेज से ले के हर एक बार चेक करते गए तो चंद्रयान कुट्टा एरिया में MM पार्ट में MM नगर में उधर मिले, इनका फोटो मिले और इनका गाड़ी भी मिले। उस हिसाब से उनको लेकर आके इंटरागेशन करें तो इससे पहले उन्हें इसे ओल्ड अफेंडर इससे पहले एक 6 केसेस में वो हैदराबाद सिटी से वो रिमांड में गया, जेल पे है 2 साल तक। और बाद में 2016 में उन्हें जेल से वापस आने के बाद फिर इन्हें एक केसेस कर रहा है। इस 6 केसेस पूरा 2016-17 का वो पूरा 6 केसेस इन्हें राजेंद्र नगर लिमिट्स में केस किया है। इस पूरा में 2,10,000 रुपया गया और इनको अरेस्ट करने के बाद ये 5 केसेस में पूरा इनके साथ एक सेलफोन और एक होंडा एक्टिवा गाड़ी और एक होंडा फैशन गाड़ी और देन नोकिया सेलफोन नंबर और 1 लाख रुपये का कैश ने हम नेट कैश ने रिकवर कर सका। बाकी पैसा उन्हें क्या बोले खर्च हो गया, क्या बोला है। तो इन आदमी को अभी हम कोर्ट में हाजिर करेंगे और जो आदमी इनको डिटेक्ट करने में अशोक डी ए नया है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, इसको अच्छा पकड़ाया और SI शेखर रेड्डी उनका टीम पूरा ऑफिसर तमाम काम करके इनको गिरफ्तार किया है। और ये एक सूचन क्या है कि ये CCTV का इम्पोर्टेंस एक बता सकता है। इधर जो जिस CCTV में इनका फोटो कैप्चर हुआ उस हिसाब से हम ढूंढते गए तो वहाँ चंद्रानगुटा एरिया में इन्हें मिल गया है। तो इस वजह से पब्लिक भी गुजारिश है कि जितना हो सकते है उतना उन घर पे भी या मोहल्लों में या कॉलोनी में भी या इधर भी अच्छा CCTV लगाए तो अच्छा है कि हम लोग उसको पकड़ सकते हैं और हम भी आराम से रह सकते हैं और अमन रख सकते हैं। 7H न्यूज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़ आपकी आवाज़।